तेरी मुरली की धुन सुनने मैं वृंदावन से आया हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं वृंदावन से आया हूँ। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारिया नु भाई, की हाल चाल जी? वधिया हो सारे, तंदुरुस्त हो, फैमिली वधिया रही सब दी? बच्चा कहता फैमिली बहुत वधिया सर, तुसी सुनाओ की हाल चाल? आपा भी एकदम वधिया जी। तो फाइनली आज हमारे इस सीरीज की भी लास्ट क्लास है, आज हमारा स्टूडेंट दरबार को भी स्वाहा और 27 मिनट की सीरीज को भी स्वाहा। तो आज हमारा लास्ट सेशन है, लास्ट क्लास में चार कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके थे, अब बैलेंस तीन कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे और इस सेशन को ओवर करके फिर दोबारा रात को 10 बजे मुलाकात करेंगे। आज हमें जीएसटी के मिक्स एमसीक्यूज करनी है जी। उम्मीद करूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे एमसीक्यूज मिल गए होंगे, मैंने अभी अभी डाले हैं जी। अगर नहीं मिले एक बार जाके देख लेना, डाउनलोड कर लेना, अगर टाइम लगे तो क्लास में आने से पहले सोल्व कर लेना, नहीं तो फिर रात को 10 बजे सभी बच्चे मेरे साथ आएंगे और वहाँ पर बैठ के देखेंगे जी। एक बच्चा कह रहा है सर ने जो भजन गाया है तो उसमें तो ये था ना कि तेरी मुरली की धुन सुनने मैं वृंदावन से आई हूँ। तो नलायकों वो आई हूँ थी, मैं आया हूँ, तो मैं तो आया हूँ बोलूँगा ना, मैं कैसे बोल दूंगा आई हूँ, मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूँ, मैं पहले क्लियर कर दूँ। इधर देखो ध्यान से, चलो जी इधर देखो ध्यान से जी। अब लास्ट क्लास में 27 मिनट वाले सेशन में अभी तक हमने कौन कौन से पॉइंट कंप्लीट कर लिए एक बार फटाफट से वो देख लेते हैं, फिर बैलेंस जो हमारे तीन कॉन्सेप्ट बचे हैं उसको भी हम कंप्लीट करेंगे जी। इधर सुना आप ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूँ जी, लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 11 मैंने कहा था टोटल 77 कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करने हैं, अब 77 में से ना 74 कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आप ये देख लो सर, मतलब 27 मिनट की सीरीज में ना मुझे ऐसा लगता है कि वाकई हमने कमाल किया जी। जिस बच्चे ने स्टूडेंट दरबार देखने के बाद ये 27 मिनट वाली सीरीज अटेंड की होगी ना, डेली बेस पर अगर अटेंड की होगी, मैं दिल से कह रहा हूँ सर उसकी रिविजन और बढ़िया तरीके से हो चुकी होगी। मतलब वाकई कह रहा हूँ सर, ये सात कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनते हैं, आप इग्नोर करके जाते हो, और मैंने पूरी कोशिश किया वो सात कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा से रिवाइज करवाने की जी। ठीक है जी, अब एक बार चेक करना लास्ट क्लास में, एक तो सेक्शन 201 और 201 है कि भैया अगर TDS नहीं काटोगे या TDS काट के पे नहीं करोगे या लेट काटोगे या लेट पे करोगे उस केस में क्या इंटरेस्ट होगा, क्या पेनल्टी होगी, ये सारी बातें कर चुके हैं। फिर मैट का चैप्टर तो अभी हमने रिवाइज किया है कि मैट क्रेडिट को यूज़ कैसे करेंगे, अवेल कैसे करेंगे, AMT कब एप्लीकेबल होगा, कब एप्लीकेबल नहीं होगा, अभी हमने डिस्कस किया है। और अपील का हायरार्की क्या होगा ये भी अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है, ये सारी बातें हम लास्ट क्लास में भी कंप्लीट कर चुके थे, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने कंप्लीट किया। इधर सुना ध्यान से, अब तीन कॉन्सेप्ट हमारे कौन कौन से बैलेंस बचे हैं जी। एक तो हमें करना है एग्रीकल्चर इनकम के चैप्टर में ना एक पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड होता है जो एग्जाम में कई बार इसमें से क्वेश्चन बन चुका है। नॉर्मली मैं क्लास के अंदर कहता हूं कि इतना रेलिवेंट नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में इस मेथड की ना इतनी रेलिवेंसी नहीं है, बट हाँ प्रैक्टिकल लाइफ में रेलिवेंसी ना होने के बावजूद भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सिंपल मेथड है बट कई बच्चों को यहाँ पे डाउट होता है, मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवा दूंगा ताकि जिनको डाउट हो वो डाउट आज खत्म हो जाए जी। उसके बाद सेकंड फिर हमारा आएगा सेक्शन नंबर 197 और 197 है, याद आ रहा कुछ आपको? याद करो TDS के चैप्टर की जब हमने रिवीजन की थी आपको मैंने कहा था कुछ केस में डिडक्टी को लगता है कि उसका TDS नहीं कटना चाहिए तो वो क्या करेगा, फॉर्म नंबर 15G फॉर्म नंबर 15H फाइल करेगा 197A, और कुछ केस में जहां 197A एप्लीकेबल नहीं होगा फिर वो AO का सर्टिफिकेट लेके आएगा, वो सर्टिफिकेट डिडक्टर को जमा कराएगा, सर्टिफिकेट देखने के बाद डिडक्टर उसका TDS नहीं काटेगा 197। तो वो भी हमें दो मिनट में रिवाइज करना है। और एक लास्ट में TDS के रेट, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ जी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रेट आपको याद करने हैं, एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेंगे और इसको फाइनली इस सीरीज को आज हम कंप्लीट कर देंगे जी। मतलब ये गलो फाइनली आज हम ना पूरे इनकम टैक्स को लॉक करके जा रहे हैं, GST तो हम पहले ही लॉक कर चुके हैं, आज हमारा इनकम टैक्स भी लॉक हो चुका है जी। ठीक है जी, चलो इधर देखो ध्यान से, अब टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है तो अब फटाफट से एक बार रिविजन स्टार्ट करते हैं। मुझे फटाफट से बोल दो जी, पहले बताओ एग्रीकल्चर इनकम के चैप्टर की बात करो सर। अब अगर मैं एग्रीकल्चर इनकम के चैप्टर की बात करूंगा, याद करो आपको मैंने कहा था कि एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो सेक्शन 10 में आपकी एग्जम्प्ट होती है। मतलब अगर किसी पर्सन ने, एक बार यहाँ पे चेक करो जी, अगर किसी पर्सन ने एग्रीकल्चर इनकम कमाई है और वो इनकम आपने इंडिया में अराइज की होगी तो वो सारी की सारी इनकम सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट होगी। अब जो ये पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड होता है ना, ये एप्लीकेबल पहली बात तो हर केस में नहीं होता, मैं दोबारा बोल रहा हूँ पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड जो है ये मेथड हर केस में एप्लीकेबल नहीं होता। अब ये मेथड किस केस में एप्लीकेबल होगा, किस किस पर एप्लीकेबल होगा, इसमें टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। याद करो सर एक बात, मैं सोच के बताना,
अब पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड आपका एप्लीकेबल तब होता है अगर मान लो आपको एग्रीकल्चर इनकम के साथ में नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी दी है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गया जी, बातचीत नहीं करनी यार। अब कई बच्चे ना चैट बॉक्स में लिख के कह रहे हैं यार पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड तो हमने किया ही नहीं है, क्या समझ में आएगा नहीं आएगा। सुन लो एक बार, सुन लो, मतलब 20 से 25 मिनट मैं भी तो खेलने के लिए आया हूँ ना, मेरे को खेलने दो, उसके बाद आपस में बातें कर लेना। मैं गारंटी दे रहा हूँ सर, अगर 20 मिनट आपने सही ढंग से समझ लिया आपको आज ही मेथड समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल मेथड है, बिल्कुल गिरा हुआ मेथड है री। इधर सुना ध्यान से, अब प्लीज़ कोई बातचीत नहीं करेगा, इधर सुना ध्यान से। मैंने क्या बोला कि पहली बात तो ये समझो कि पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड जो है ना वो मेथड एप्लीकेबल तब होगा अगर एग्रीकल्चर इनकम के साथ में नॉन एग्रीकल्चर इनकम दी होगी। अगर सिर्फ अकेली मुझे एग्रीकल्चर इनकम दी है फिर तो वो क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी। अगर अकेली मुझे नॉन एग्रीकल्चर इनकम दी है फिर वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। बट अगर मान लो क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम भी दी है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी दी है, उस केस में पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड लग सकता है। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर आपने कहा कि अगर एग्रीकल्चर इनकम के साथ में नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी दी होगी तो पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड लग सकता है। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आपने ये क्यों कहा है लग सकता है। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मैंने इसलिए कहा है कि मेथड लग सकता है क्योंकि पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड लगने के लिए भी दो कंडीशन होती हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर एग्रीकल्चर इनकम के साथ आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी दी है तो भी पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड तब लगेगा अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड है। पहली कंडीशन, नेट एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए। चैट बॉक्स में लिख के बताओ जी मैंने क्या बोला है, नेट एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए। मेरे टमाटरी कलर के बच्चे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए, मैंने क्या बोला, नेट एग्रीकल्चर इनकम, मतलब जो भी आपकी टोटल एग्रीकल्चर इनकम है उसमें से खर्चे माइनस करने के बाद एग्रीकल्चर वाले जो नेट एग्रीकल्चर इनकम निकल के आएगी अगर 5000 से ज़्यादा है, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। और सेकंड कंडीशन ये है कि आपकी नॉन एग्रीकल्चर जो इनकम है ना वो एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर आपको पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड लगाना है वो एप्लीकेबल तब होगा अगर एग्रीकल्चर इनकम के साथ में नॉन एग्रीकल्चर इनकम दी होगी, बट वो भी हर केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। पहली कंडीशन आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा हो और दूसरी कंडीशन आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो। अब बच्चा कह रहा है ये एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, अब अगर मेरे से किसी ने पूछ लिया ना एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, सर ध्यान रखना मुर्गा बनाऊंगा और जो गर्ल्स हैं उनको फिर ऐसे हाथ ऊपर करके खड़ा होना पड़ेगा। बच्चा कह रहा ऐसे कैसे कर दोगे आप, हमारे लगते कौन हो, मैं चाहे तुम्हारा लगूँ बड़ा भाई चाहे लगूँ टीचर, याद करो स्कूल के अंदर हम कई बार मुर्गे बने हैं सर। तो सिंपल सी बात है, आप मुझसे कह रहे हो एग्जम्पशन लिमिट क्या है, ना लगो एक बात बताओ एग्जम्पशन लिमिट हमारी कितनी है, 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख। याद करो अगर एज आपकी 60 साल से कम है 2.5 लाख होगी, अगर एज 60 साल है उससे ऊपर होगी लेस देन 80 होगी तो आपकी 3 लाख होगी, और अगर एज 80 और मोर होगी उसके इसमें कितनी होगी, 5 लाख होगी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो होगी एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर होगी। आपको मैं दिखाता हूँ जी, अब जिन बच्चों के पास मेरी बुक है, जिन बच्चों के पास मेरी बुक है तो वो मेरी बुक में से देख सकते हैं। अगर मेरी बुक नहीं है, किसी भी टीचर की बुक होगी जहाँ से भी आपने कोचिंग ली होगी उसके अंदर भी दिया होगा जी। एक बार चेक करना, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम। पहली बात तो बहुत ध्यान से पढ़ना कि ये मेथड एप्लीकेबल कब होगा। जो बच्चे ओल्ड सिलेबस वाले हैं उनके एग्जाम में तो भर भर के क्वेश्चन बनते हैं जी, न्यू सिलेबस वालों के एग्जाम में इतने क्वेश्चन नहीं बनते क्योंकि प्रैक्टिकली इतना रिलीवेंट नहीं है। बट मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी, चाहे एग्जाम में क्वेश्चन बने या ना बने, जो मेथड हमारे को 20 मिनट में समझ में आ जाए, हम 20 मिनट तो लगा सकते हैं ना। मैं कह रहा हूँ आपने चाहे पहले ना पढ़ा हो 20 मिनट लगा दो, 20 मिनट के अंदर मेथड समझ में आ जाएगा जी। एक बार आप चेक करना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, ए मेथड हैज़ बीन ले डाउन टू लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम इन एन इनडायरेक्ट वे। अब प्लीज़ ध्यान देखना जी, दिस इज नोन एज पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्सेस, इट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, मतलब ये मेथड इंडिविजुअल पे लगेगा, HF पे लगेगा। अनरजिस्टर्ड फर्म्स, मतलब जो आपकी रजिस्टर्ड फर्म्स होगी उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, अनरजिस्टर्ड फर्म्स पे लगेगा, AOP पे लगेगा, BOI पे लगेगा और आर्टिफिशियल पर्सन पे लगेगा, मतलब कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन बन गया जी, एग्जाम में क्वेश्चन बना एक कंपनी है, कंपनी की एग्रीकल्चर इनकम भी है नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है, तो उस केस में पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड नहीं लगेगा। उस केस में एग्रीकल्चर इनकम सारी एग्जम्प्ट होगी और नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे जो कंपनी के टैक्स रेट होंगे वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। बट अगर क्वेश्चन बन गया इंडिविजुअल का, HUF का, अनरजिस्टर्ड फर्म्स का, AOP का, BOI का, AJP का, उस केस में अगर एग्रीकल्चर इनकम के साथ में नॉन एग्रीकल्चर इनकम दी होगी तो फिर टैक्स निकालने का तरीका क्या होगा, इस तरह से निकालेंगे। देखो ये क्या लिखा हुआ है,
टू कंडीशन विच नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर पार्शियल इंटीग्रेशन. आपकी दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए. पहली कंडीशन आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा हो, और दूसरी कंडीशन एंड जो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो आपकी एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख, इससे अगर ऊपर होगी उस केस में ये मेथड लगेगा, नहीं तो ये मेथड नहीं लगेगा. बच्चा कह रहा है चलो सर मान लो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, मान लो नेट एग्रीकल्चर इनकम दी हुई है 50,000 रुपये की और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दी हुई है मान लो 5 लाख रुपए की. अब अगर नॉन एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख रुपए की है और नेट एग्रीकल्चर इनकम 50,000 रुपए की है, तो इस केस में क्या ऐसा नहीं करेंगे कि 50,000 रुपए तो एग्रीकल्चर इनकम है, ये एग्जम्प्ट हो जाएगी और 5 लाख पे हम टैक्स निकाल देंगे? मैंने कहा नहीं. मैंने कहा ऐसा तब करोगे जिस पे पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड नहीं लग रहा. बट जहां पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड लग रहा है उस केस में अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनेगा ना, फिर टैक्स निकालने का तरीका अलग होगा. और टोटल आपके यहाँ पे 4 स्टेप फॉलो होंगे, टोटल 4 स्टेप. इन चारों स्टेप को समझ लेना जी, आपको टैक्स निकालना आ जाएगा. स्टेप नंबर 1 ये बात कहता है, सबसे पहले जितनी भी आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम दी है उसमें नॉन एग्रीकल्चर इनकम जोड़ दो, जो टोटल इनकम आएगी उस पर टैक्स निकाल दो. मैंने स्टेप नंबर 1 क्या बोला, चैट बॉक्स में लिखते रहो जी, चैट बॉक्स में लिखते रहो. स्टेप नंबर 1 क्या है, आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस में नॉन एग्रीकल्चर इनकम, इन दोनों को जोड़ के जो भी इनकम बनेगी उस पर टैक्स निकाल दो. स्टेप नंबर 1 ये. फिर स्टेप नंबर 2 कहता है, जो भी आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम है, जो भी आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम है उसमें एग्जम्पशन लिमिट जो एप्लीकेबल होगी उसको जोड़ के इनकम निकाल दो, फिर आप टैक्स निकाल दो. नहीं आया समझ? मुझे पता है, मुझे पता नहीं आया, एक बार दोबारा से बोलूंगा. स्टेप नंबर 1 ये बात कहता है, नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस में नॉन एग्रीकल्चर इनकम, इन दोनों को जोड़ के जो इनकम आएगी उस पर टैक्स निकाल दो. स्टेप नंबर 1 खत्म हो गया. स्टेप नंबर 2, जो भी आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम है उसमें एग्जम्पशन लिमिट जोड़ के जो इनकम आएगी उस पर निकाल दो टैक्स. स्टेप नंबर 2 खत्म हो गया. स्टेप नंबर 3 कहता है, स्टेप 1 के टैक्स में से स्टेप 2 का टैक्स माइनस कर दो, बैलेंस टैक्स निकाल दो. और स्टेप 4 ये बात कहता है कि जो भी आपका टैक्स निकल के आएगा उसमें 4% सेस ऐड करके जो फाइनल टैक्स होगा वो बता दो, वो तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा. अब मुझे पता आपको समझ में कुछ भी नहीं आया. कई बच्चों के तोते उड़ गए, कह रहे तोते उड़ गए, तोते ऐसे सर तोते उड़ गए, हमें समझ में कुछ नहीं आया. अभी तोते उड़वा रहा हूँ, तुम्हारे टेंशन मत लो. ये ग्रीन ग्रीन कलर के जो ये मूली कलर के बच्चे बैठे हैं, अच्छा मूली तो वाइट होती है, सॉरी मूली तो वाइट होती है, खीरे कलर के बच्चे बैठे हैं ना जो मेरे सामने, सबको ध्यान रखना, खीरा ककड़ी सब बना के जाऊंगा आज मैं. इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है जी, हाँ जी मुझे आंसर देना. बीच में लाइट चली गई थी, एक मिनट रुको, रिकॉर्डिंग तो बंद नहीं हुई? नहीं चल रही है जी. इधर देखो ध्यान से, मुझे फटाफट से एक बार सोच के बताना जी, मुझे एक बार सोच के बताओ. अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड, पहली बात तो एप्लीकेबल कब होगा जल्दी बताओ जी. एप्लीकेबल क्या हर केस में होगा? आंसर इज नो. किस में लगेगा? इंडिविजुअल में लगेगा, HF में लगेगा, AOP में लगेगा, BOI में लगेगा, अनरजिस्टर्ड फर्म्स में लगेगा और AGP में लगेगा, और कहीं नहीं लगेगा. कंपनी पे नहीं लगेगा, जो पार्टनरशिप हम रजिस्टर्ड है उस पे नहीं लगेगा, लोकल अथॉरिटी नहीं लगेगा, सोसाइटी नहीं लगेगा, उस पे पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड नहीं लगेगा. और जहां पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगेगा ना, बस ये समझ लो कि वहां एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है पूरी की पूरी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे जो उनके रेट होंगे उस रेट से टैक्स लगा देंगे. बच्चा कहता है सर एग्रीकल्चर इनकम तो वैसे भी एग्जम्प्ट होती है. यस एग्जम्प्ट होती है, बट अगर इंडिविजुअल HF वाले केस में अगर एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक साथ दी है तो उस पर टैक्स निकालने का तरीका गवर्नमेंट ने अलग डिफाइन किया हुआ, उसको बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड. और गवर्नमेंट कहती है इस मेथड से जो टैक्स आएगा ना वो टैक्स आपने पे करना है, बस ये पर ध्यान दो. बट ये मेथड हर केस में एप्लीकेबल नहीं होगा. ये मेथड उस केस में लगेगा अगर नेट एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा होगी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो ये मेथड एप्लीकेबल करना, अदरवाइज ये मेथड एप्लीकेबल मत करना. अगर मान लो ये मेथड एप्लीकेबल होगा उस केस में क्या होगा, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में जितनी आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है उसमें नेट एग्रीकल्चर इनकम जोड़ के जो इनकम आएगी उस पर निकाल दो टैक्स. स्टेप नंबर 2, आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम है एग्जम्पशन लिमिट जोड़ दो, जो इनकम आएगी उस पर निकाल दो टैक्स. स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 1 माइनस में स्टेप नंबर 2, जो बैलेंस टैक्स आएगा वो निकाल दो. स्टेप नंबर 4 में उसमें सेस ऐड कर दो, जो सेस होगा 4% से, उसके बाद जो फाइनल टैक्स आएगा उसके बेस पे कैलकुलेशन होगी. बच्चा कह रहा है सर आप ना हमें ना क्वेश्चन दिखाओ ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, नहीं तो हमें घबराहट हो रही है. क्वेश्चन देख लो जी, क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, एक बार क्वेश्चन देख के मुझे आंसर देना जी. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिस्टर डी है. पहली बात तो मिस्टर डी इंडिविजुअल है,
वो कह रहे हैं उसकी एग्रीकल्चर इनकम 4900 है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम 215000 है। अपने आप बोल दो क्या इस केस में पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड लगेगा? आंसर इज नो, नहीं लगेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम भी 5000 से कम है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी एग्जम्पशन लिमिट से कम है, इसलिए इसमें पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड नहीं लगेगा। तो अगर वो मेथड नहीं लगेगा तो क्या होगा भैया, एग्रीकल्चर इनकम पूरी एग्जम्प्ट हो जाएगी और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी एग्जम्प्ट है क्योंकि वो इनकम 2.5 लाख तक है और 2.5 लाख तो वैसे एग्जम्पशन लिमिट होती है ना, तो वो क्या हो जाएगी जी, एग्जम्प्ट हो जाएगी। उसके बाद देखो जी अगला क्वेश्चन देख लो जी, बहुत ध्यान से ना, बहुत ध्यान से। मिस्टर क्यू उसकी एज है 67 ईयर, एज 67 ईयर है। अब यहाँ पे देखना जी, उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 230000 रुपये है और एग्रीकल्चर इनकम 15000 रुपये है। क्या इस केस में पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा मेरे बच्चे। बच्चा कह रहे लगेगा, क्यों लगेगा भाई, क्यों लगेगा? क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सात बादाम खिलाता हूँ आपको। सर मैंने दो कंडीशन बोली थी, पहली कंडीशन एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा हो एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो। अब जब वो एज उसकी 67 ईयर है तो 67 साल वाले केस में एग्जम्पशन लिमिट कितनी होगी, 3 लाख होगी। यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, 230000 रुपये है, तो 230000 रुपये 3 लाख से कम है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड नहीं लगेगा, मतलब ये भी इस पर भी टैक्स जीरो आएगा और इस पर भी जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम तो सारी एग्जम्प्ट है। अब आएगा मेन क्वेश्चन जो मजे आ जाएंगे जी करने। मैं यहाँ पे अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर रहा हूँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से करेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और अगर नहीं समझ में आए अभी चैट बॉक्स में मत लिखो समझ में नहीं आ रहा। जिन बच्चों को आ रहा है वो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर आपको लग रहा है नहीं आ रहा, इस एग्जांपल के बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ को समझ में आ जाएगा। नहीं तो एक बार वीडियो ख़त्म होगी, एक बार पीछे करके दोबारा सुनना, फिर ना आए फिर कमेंट बॉक्स में डाल देना जी, बाकी बच्चे उसका रिप्लाई करेंगे, नहीं तो फिर मैं रिप्लाई करूँगा। बट पहले एग्जाम्पल सुनो जी, चैट बॉक्स बिल्कुल बंद करो जी, बिल्कुल बंद करो चैट बॉक्स, बिल्कुल नहीं चैटिंग मत करो जी। इधर देखो ध्यान से, अब एग्जांपल ध्यान सुनना, एग्जांपल सुनो। वो कह रहे हैं मिस्टर आर है रेजिडेंट, हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ इनकम प्रीवियस ईयर 17-18। अब ध्यान देखना जी, इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करके दी हुई है 240000 रुपये। अच्छा सैलरी की इनकम एग्रीकल्चर है नॉन एग्रीकल्चर है? नॉन एग्रीकल्चर है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करके दी हुई है 2 लाख रुपये। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एग्रीकल्चर है नॉन एग्रीकल्चर है? नॉन एग्रीकल्चर है। कह रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम है फ्रॉम लैंड इन जयपुर, वो कितनी है 1,80,000 रुपये। उस इनकम को कमाने के लिए आपने खर्चा किया 1,20,000 रुपये, तो मतलब आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम जो हो गई वो कितनी हो गई जी, आपकी 60,000 रुपये की नेट एग्रीकल्चर इनकम आ गई। ये बात तो क्लियर हो गई। सर एक बात बताओ, अगर 1,80,000 रुपये एग्रीकल्चर इनकम है, उस इनकम को कमाने के लिए आपने 1,20,000 रुपये खर्चा किया, तो नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी होगी? आपकी 60,000 रुपये होगी ना, तो नेट एग्रीकल्चर इनकम आ गई 60,000 रुपये। मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई कि ये इंडिविजुअल है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई कि नेट एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा है, और तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई कि जो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो टोटल मिला के 4,40,000 रुपये है, एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। तो अगर नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, नेट एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है और वो इंडिविजुअल है, उस केस में क्या लगेगा? पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड। अब बताओ रही स्टेप नंबर वन, जल्दी बोलो स्टेप नंबर वन में क्या था? नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस में नॉन एग्रीकल्चर इनकम, इन दोनों को जोड़ के जो इनकम बनेगी उस पर निकाल दोगे टैक्स। अब देखो जी नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी है 60,000 रुपये, नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है 4,40,000 रुपये। तो अगर मैं 4,40,000 में 60,000 जोड़ दूंगा तो 5 लाख इनकम आ गई, 5 लाख पे आप निकाल दो टैक्स। अगर एज मान लो 45 साल है तो 5 लाख पे कितना आएगा, 2.5 लाख तो एग्जम्प्ट हो गई। सर 2.5 लाख तो एग्जम्प्ट हो गई, और 2.5 लाख एग्जम्प्ट हो गई है तो कितना बचा 2.5 लाख, उसमें 5% लगा दोगे तो 12,500 रुपये टैक्स आएगा। तो 12,500 रुपये आपका टैक्स आएगा। देखो यहाँ पे स्टेप नंबर वन, देखो स्टेप नंबर वन 5 लाख पे निकाल दोगे 12,500। फिर स्टेप नंबर टू में क्या था याद करो सर, स्टेप नंबर टू में क्या था? स्टेप नंबर टू में था नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस में एग्जम्पशन लिमिट। अब नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी है जी 60,000 रुपये, एग्जम्पशन लिमिट कितनी है 45 साल की अगर एज होगी तो 2.5 लाख रुपये, तो 2.5 लाख प्लस में 60,000 कितना हो गया 3,10,000। अब 3,10,000 पे टैक्स निकालोगे तो 2.5 लाख एग्जम्प्ट है, 60,000 का 5% कितना बन गया 3,000 रुपये, ये टैक्स आ गया। अब स्टेप नंबर वन माइनस में स्टेप नंबर टू, 12,500 माइनस में 3,000 कितना हो गया 9,500। सर 9,500 में से 9,500 की रिबेट माइनस होगी, क्यों? क्योंकि चेक करो इनकम 5 लाख तक है, और अगर मेरी इनकम 5 लाख तक होगी तो क्या मुझे रिबेट मिलेगी नहीं मिलेगी? यस मिलेगी। आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर के अंदर भी कहा था कि अगर इनकम 5 लाख तक होगी तो 12,500 की रिबेट मिलेगी।
देखो 9500 टैक्स आएगा, 9500 की रिबेट मिलेगी, टैक्स बन जाएगा नील, इसका आंसर नील आएगा जी। तो जिनके पास मेरी बुक होगी उस बुक में चेंज कर लेना जी, क्योंकि वहाँ रिबेट माइनस नहीं की हुई, रिबेट यहाँ पे माइनस होगी। और अगर एज यही, अगर इस क्वेश्चन में उसने बोला है अगर एज 60-70 ईयर होती तो फ़र्क क्या पड़ता, फिर एग्जम्पशन लिमिट आपकी 3 लाख की हो जाती। एक बार चेक करो, अगर एज आपकी 70 ईयर होती तो उस केस में एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख की हो जाती, तो भी 5 लाख पे कितना टैक्स आएगा, 3 लाख एग्जम्प्ट है तो 2 लाख पे कितना बनेगा, 10,000 पे बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा 3,000, तो 7,000 पे, और जो टैक्स आएगा उसमें रिबेट माइनस करके टैक्स यहाँ पर भी नहीं लाएगा। तो सिंपल सी बात कह रहा हूँ जी, मेन मुद्दा बस ये निकल के आ रहा है कि आपको पार्शल इंटीग्रेशन मेथड लगाना कैसे है। कई बच्चे कह रहे हैं सर क्या इसमें से क्वेश्चन बनता है, रेयरली बनता है, रेयरली बनता है जी, ऐसा नहीं है कि हर, हाँ ओल्ड सिलेबस के अंदर तो पक्का पक्का सर, ओल्ड सिलेबस के अंदर तो, क्योंकि 70 मार्क्स का इनकम टैक्स है उसमें क्वेश्चन ही जरूरी बन जाता है। न्यू सिलेबस के अंदर अभी तक तो बना नहीं, मेरे ख्याल से एक बार बना था, वो भी सिंपल सा बना था बिल्कुल, ठीक है। तो न्यू सिलेबस के कई सारे अटैम्प्ट हो चुके हैं, बस एक ही बार बने, और इवन मैंने न्यू सिलेबस वाले बच्चों को क्लास में कहा भी था कि एग्जाम में बनने के चांसेस मेरे ख्याल से 0% है। क्यों? क्योंकि जो मेथड प्रैक्टिकली इतना रेलिवेंट नहीं है तो एग्जाम के लिए भी इतना रेलिवेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने पूरा टाइम लगा के करवाया है जी। छोड़ना मत, बिना मत के छोड़ के मत जाना, क्योंकि अगर बाय चांस क्वेश्चन बन गया तो नंबर फ्री के हैं। हाँ अगर ये बन गया किसके हाथ में लगेगा, कब लगेगा, तो बिल्कुल सिंपल है, बट अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन गया ना, बस आप 3 स्टेप याद कर लेना। स्टेप नंबर 1 एक बार बस लास्ट टाइम लिख दो, फिर हम खत्म करते हैं जी। एक बार लास्ट टाइम लिख दो, स्टेप नंबर 1 सोचो स्टेप नंबर 1 क्या है। स्टेप नंबर 1 है नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस में नॉन एग्रीकल्चर इनकम, इनको जोड़ के जो इनकम बचेगी उस पर निकाल देंगे टैक्स। स्टेप नंबर 2 नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस में एग्जम्पशन लिमिट, इनको जोड़ के जो इनकम बनेगी उस पर निकाल देंगे टैक्स। फिर स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 1 का टैक्स माइनस में स्टेप नंबर 2 का टैक्स, जो टैक्स आएगा उसमें 4% से ऐड करेंगे, बट अगर इनकम ही 5 लाख तक निकल के आ रही है फिर वो रिबेट माइनस कर देंगे, और अगर इनकम 5 लाख से ऊपर थी फिर जो टैक्स आएगा उसमें 4% से ऐड करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जी। तो इस तरह से निकालते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की आप फोटो क्लिक करनी है, फोटो क्लिक कर लो, जिनके पास मेरी बुक नहीं है जी, ये लो जी, यहाँ से यहाँ तक फोटो क्लिक कर लेना। उसके बाद जी ये देखो 4,40,000 पे इनकम निकाल दी मैंने, 4,40,000 पे टोटल इनकम निकल के आ गई, और फिर ये देखो मैंने 3 स्टेप फॉलो किए हैं, और 3 स्टेप फॉलो करके मैंने यहाँ पे टैक्स निकाल रखा है जी। ये तब फॉलो होंगे जब 45 साल की एज है, और ये तब फॉलो होंगे जब 70 साल की एज है जी, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, और बाकी मेथड जो है, मेथड निकालने का तरीका देखो, ये रहा आपका, ये 3 स्टेप है जी। अगर इसकी भी फोटो क्लिक करनी हो तो इसकी भी कर सकते हो कि पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड किस किस केस में एप्लीकेबल होगा और कब एप्लीकेबल होगा, कौन कौन सी कंडीशन है, ये आपके सामने है जी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो। अच्छा एक कॉन्सेप्ट फिर हमारा और है इसके अंदर, एक कॉन्सेप्ट हमारा और है, वैसे मैंने आपको बताया था जो टी रबर कॉफ़ी होती है जी, याद करो टी रबर कॉफ़ी। अब जो इनकम आपको टी रबर कॉफ़ी से मिलती है, मुझे फटाफट से बोल दो जी, अगर इनकम आपको टी रबर कॉफ़ी से है, आपको मैंने पहले भी कहा था टी से आने वाली इनकम पूरी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती, उसमें एग्रीकल्चर भी होती है, नॉन एग्रीकल्चर भी होती है। याद करो रेगुलर बैच के अंदर मैंने कहा था कि टी से आने वाली जो इनकम होगी उसका 60% पोर्शन एग्रीकल्चर मान लेंगे, 40 मान लेंगे नॉन एग्रीकल्चर, बस ये बात ध्यान दो। रबर से आने वाली इनकम जो होगी, रबर बनती कैसे है, एक पेड़ों में से वाइट कलर का लेटेक्स जूस निकलता है, नालायको वो वाइट कलर का जूस पीने वाला नहीं होता, कहीं पी जाओगे तो अंदर रबर जम जाएगी। एक पेड़ों में से वाइट कलर का जूस निकलता है, उस जूस की प्रोसेसिंग करने के बाद रबर बनती है। तो रबर से आने वाली इनकम सारी एग्रीकल्चर नहीं है, सारी नॉन एग्रीकल्चर नहीं है, तो गवर्नमेंट ने कहा 65 एग्रीकल्चर मानेंगे, 35 नॉन एग्रीकल्चर मानेंगे। फिर कॉफ़ी से आने वाली इनकम क्या करेंगे, कॉफ़ी के 2 केस होंगे जी। आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर बताया था कि जो भी कॉफ़ी बीन्स होते हैं ना, अगर आपको बताओ, आपको मैं दिखाऊं, ये देखो कॉफ़ी बीन्स होते हैं, कॉफ़ी बीन्स नहीं, यहाँ पे नहीं है आपके ना, कॉफ़ी बीन्स होते हैं, कॉफ़ी के ना बीज होते हैं, आपको शायद पता हो कॉफ़ी के ना बीज होते हैं, कॉफ़ी के बीज में मतलब जो कॉफ़ी बीन्स होते हैं उसमें ना कीड़ा लगा होता है, उस कीड़े को निकाल देते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, उस कीड़े को निकाल के मार्केट में सप्लाई करते हैं, इट मीन्स उसमें अभी प्रोसेसिंग आपने बहुत कम की है, सिर्फ आपने कीड़ा निकाला और मार्केट के अंदर बेच दिया। तो गवर्नमेंट कहती है उस केस में जो इनकम होगी 75 एग्रीकल्चर, 25 नॉन एग्रीकल्चर। बट अगर आपने कीड़ा निकाला, रोस्ट किया, ग्राउंड किया, उसमें फ्लेवर मिक्स किया फिर मार्केट के अंदर बेचा, फिर 60% एग्रीकल्चर, 40% नॉन एग्रीकल्चर। तो मतलब इसको हम बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डीम्ड एग्रीकल्चर इनकम कॉन्सेप्ट। डीम्ड का मतलब कि गवर्नमेंट कह रही है टी रबर कॉफी वाले केस में, माने या ना मानो, मानना ही पड़ेगा कि इतनी एग्रीकल्चर है, इतनी नॉन एग्रीकल्चर है। तो एग्जाम में अगर टी रबर कॉफी में से क्वेश्चन बनेगा, दोबारा बोलो जी,
टी वाले केस में कितना होगा 60 एग्रीकल्चर 40 नॉन एग्रीकल्चर, रबर वाले केस में 65 एग्रीकल्चर 35 नॉन एग्रीकल्चर, कॉफी वाले केस में दो केस बनेंगे नहीं। पहला केस क्या बनेगा, अगर आपने देखो क्या लिखा है, अगर आपने कॉफी उगाई और क्योर किया, क्योर मतलब कीड़ा निकाल के आपने उसको बेच दिया, उस केस में आपकी 25 नॉन एग्रीकल्चर 75 एग्रीकल्चर। और अगर आपने फ्लेवर मिक्स किया, देखो यहाँ पे लिख रखा होगा विद और विदाउट मिक्सिंग चिकोरी फ्लेवर ग्राउंडेड रोस्टेड, मतलब अगर आपने फर्दर प्रोसेसिंग करके कॉफी को आगे बेचा, उस केस में 60% एग्रीकल्चर 40% नॉन एग्रीकल्चर। ये सारी बातें आपको मैंने क्लास के अंदर बताई थी, ठीक है। तो वैसे आज का मेरा टारगेट नहीं था बताने का, बट आपको था कि सर एग्रीकल्चर इनकम में क्या मेन कॉन्सेप्ट है वो बता दो, तो मैंने आपको बता दिया एग्रीकल्चर इनकम में दो ही बातें मेन है, एक तो पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड और एक ये वाला जी, बस ये दो बातें आपकी मेन है जी, ठीक है। लो जी फाइनली अब ये हमारा पॉइंट हो चुका है पार्शियल इंटीग्रेशन। अब एक बार देखो जी लास्ट में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेक्शन 197 और 197 ए। अब अगर मैं सेक्शन 197 और 197 ए की बात करूँगा ना, तो ये मैंने आपको क्लास में करवाया था, ये देख लो जी, ये आपका है 197 और 197 ए। आपको मैंने क्लास के अंदर कहा था, जो अभी मेरे ख्याल से कल की क्लास हमारी हुई थी, 197 ए है सेल्फ डिक्लेरेशन का। पहली बात तो ये जो 197 ए है, मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताओ क्या ये हर पेमेंट वाले केस में एप्लीकेबल होता है। सर क्या 197 ए हर पेमेंट वाले केस में एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। चेक करो कौन कौन सी पेमेंट में लगेगा, टोटल मिला के 6 पेमेंट थी, कौन कौन सी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटी, फिर आपका हो गया रेंट हो गया, इंश्योरेंस कमीशन हो गया, LIC हो गया, RPF हो गया, ये पेमेंट 6 पेमेंट है, इनमें 197 ए लग सकता है। बट 197 ए तब लगेगा अगर मेरी इनकम एग्जम्पशन लिमिट तक है, मेरा टैक्स नहीं बनता बट मेरा TDS कट रहा है, तो फिर मैं खुद डिक्लेरेशन फाइल करके दूंगा डिडक्टर को कि मेरा TDS मत काटो। उसके फॉर्म नंबर क्या थे, 15G 15H, नॉर्मल केस में 15G, सीनियर सिटीजन वाले केस में 15H। जब ये फॉर्म फाइल करूंगा तो डिडक्टर इस फॉर्म को देखने के बाद मेरा TDS नहीं काटेगा, ये 197 ए था। फिर एक बच्चे ने कहा था सर जहाँ पे मान लो मेरी पेमेंट जो है इन 6 पेमेंट में कवर ही नहीं हो रही, एग्जाम्पल के तौर पे प्रोफेशनल फीस, आप चेक करो मुझे प्रोफेशनल फीस मिल रही है बट मुझे पूरे साल की 2 लाख प्रोफेशनल फीस मिल रही है, इसको छोड़ के और कोई इनकम ही नहीं है। अब अगर मुझे 2 लाख प्रोफेशनल फीस मिलेगी तो क्या मेरी इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, बट डिडक्टर मेरा TDS काट रहा है। अब मैंने उससे कहा कि भाई मेरा TDS मत काट क्योंकि मेरी इनकम इतनी नहीं है, मेरा टैक्स नहीं बनता, कह रहा है मैं तो TDS काटूंगा। अब मैं 197 ए में नहीं जा सकता, रीजन बिंग प्रोफेशनल फीस 197 ए में कहीं पर भी कवर नहीं है, उसके लिए क्या होगा 197 होगा। मैं कहाँ जाऊँगा, डिपार्टमेंट के पास, डिपार्टमेंट को केस सुनाऊंगा, वो मुझे क्या करेगा सर्टिफिकेट इशू करेगा, वो सर्टिफिकेट मैं लेके जाऊंगा डिडक्टर के पास, डिडक्टर उस सर्टिफिकेट को देखने के बाद मेरा TDS नहीं काटेगा। ये सारी बातें आपकी 197 में होती हैं जी, ठीक है। तो 197 बस ये ध्यान दो AO के सर्टिफिकेट का है और 197 A जो है वो सेल्फ डिक्लेरेशन का है, 15G और 15H ये दोनों फॉर्म 197 A में होते हैं, बस ये बात ध्यान देना जी, ठीक है। तो ये आपके दोनों सेक्शन थे, ये दोनों सेक्शन डिडक्टी के हाथ में एप्लीकेबल होते हैं कि जब उसे लगता है कि TDS नहीं कटना चाहिए उस केस में वो इन दोनों को फॉलो कर सकता है जी, ठीक है। उसके बाद फिर आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है TDS के रेट। अब ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ सर TDS के रेट तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको हाईलाइट करवा दिए ना, एक बार फिर भी थोड़ी बहुत रिवीजन करनी है। याद करो 194 डिविडेंड के केस में TDS किस पे कटेगा, अगर 5000 से ऊपर पेमेंट होगी, अभी नई लिमिट आई है, पहले 2500 रुपये की लिमिट थी, अब 5000 की लिमिट हो चुकी है, ये जरूर ध्यान रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद याद करो फिर मैंने कहा था जी वैसे आपकी ऑडिट करवाने की लिमिट होती है 1 करोड़ 5 करोड़, फटाफट से बताओ जी, बट TDS काटने के लिए लिमिट क्या 5 करोड़ एप्लीकेबल होगी? आंसर इज नो। TDS काटने के लिए लिमिट एप्लीकेबल जो होगी वो 50 लाख प्रोफेशनल वाले केस में, 1 करोड़ बिजनेस वाले केस में, इसमें 5 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी TDS के प्रोविजन के अंदर। उसके बाद फिर आपका एक सेक्शन था जी 194K नया आया है जी, जो म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स होती हैं उसकी जो इनकम मिलती है उस पर TDS नहीं कटेगा। कब? अगर आपकी 5000 तक तो होगी तो TDS नहीं कटेगा, 5000 से ऊपर होगी तो 10% TDS कटेगा। फिर एक 194N याद कर रहे हो, जब मैं कैश विड्रॉ करूंगा जी, फटाफट से बताओ जी, अगर मैं कैश विड्रॉ करूंगा, अगर कैश विड्रॉ मेरा 1 करोड़ से ऊपर होगा तो TDS काटना पड़ेगा 2%। बट मैंने कहा था अगर मैंने पिछले 3 साल की रिटर्न फाइल नहीं की, उस केस में 20 लाख से ऊपर कैश विड्रॉ करूंगा, 1 करोड़ तक करूंगा 2%, और अगर 1 करोड़ से ऊपर करूंगा तो फिर 5% TDS कटेगा, दैट इज 194 NG, ठीक है। उसके बाद फिर आपका
ये तो मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद फिर आपका है 194O कि अगर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, अगर ये पेमेंट कर रहे हैं इनके सप्लायर को, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो ईसीओ ने मुझे पेमेंट की है, तो ईसीओ को टीडीएस काटना पड़ेगा किस रेट से, 1% से। बट अगर ट्रांजेक्शन अगर वैल्यू 5 लाख तक की है और मैं इंडिविजुअल और एचईएफ हूं, उस केस में टीडीएस के प्रोविजन मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये बात आपकी यहाँ पे लिखी हुई थी, ठीक है। और बाकी टीडीएस के लिए कौन से रेट इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे आपको मैंने सारे हाईलाइट करवा दिए थे। ये देखो ये आपके रेट हैं, ये सारे हाईलाइट करवा दिए कि कौन कौन से रेट हैं और उसकी लिमिट्स क्या क्या हैं, आपको बाद में समरी के अंदर दी हुई हैं। तो फाइनली ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट थे जी। तो फाइनली आज हमारे 77 कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं, मतलब ये लगा लो हर क्लास में 7 कॉन्सेप्ट हमने किए हैं। इसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दी है, इनकम टैक्स के स्टूडेंट दरबार की प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दी है और जीएसटी की प्लेलिस्ट अलग बना दी है। तीनों प्लेलिस्ट अलग बना दी हैं, आप आराम से प्लेलिस्ट के अंदर आके देख सकते हो जी। तो एक नई सीरीज़ जो पहली बार मैंने स्टार्ट किया अपने यूट्यूब पे, कभी आज तक मैं सीरीज़ लेके नहीं आया, उस सीरीज़ को भी आपने बहुत प्यार दिया, बहुत सुपर डुपर हिट किया मेरी तरफ से, तो क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरा इतना साथ दोगे, बट थैंक यू सो मच, आपने हमेशा ही मेरा साथ दिया जी। और मैंने पूरी जान लगाई है सीरीज़ के अंदर भी, मतलब 7 कॉन्सेप्ट मैंने पूरी कोशिश की है आपको कि अच्छे से समझाने की, ताकि अगर आपने पहले थोड़े थोड़े पढ़े हैं या अगर आपने स्टूडेंट दरबार अटेंड की हैं तो बहुत बढ़िया आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो फाइनली आज वो सीरीज़ भी हमारी ख़त्म होती है। तो इनकम टैक्स को फाइनली आज हम लोक लगा चुके हैं, बस जीएसटी हमारा पहले ही हो चुका था, अब सिर्फ बात बची है कस्टम की जो 11 से स्टार्ट करेंगे, और बाकी आज रात से रात को 10 बजे मैं लाइव आऊँगा, थोड़ी देर के बाद ही मैं लाइव आ जाऊँगा 1 घंटे के बाद, उसमें हम करेंगे MCQs जी। तो बस अब हमारे MCQs, क्योंकि रिविज़न हमने सारी कर ली है जी, अब बस बहुत हो गई रिविज़न, सही बता रहा हूँ सर, अब बहुत हो चुकी है रिविज़न, अब हमें करनी है प्रैक्टिस। अब जितनी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि रिवीजन हमारी सारी हो चुकी है, अब हमें यह देखना है कि जो हमने रिवाइज किया क्या क्वेश्चंस में अप्लाई कर पा रहे नहीं कर पा रहे भाई, जो हमने रिवाइज किया क्या वो क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे नहीं कर पा रहे, अगर कर पा रहे हैं तो नज़ारे आ जाएंगे सर, फिर तो डांस करेंगे जब पेपर अच्छे होंगे ना, ऐसे ऐसे डांस करके जाएंगे, ठीक है। चलो जी फिर मुलाकात करूंगा रात को 10 बजे सेम चैनल पे, लाइव आऊंगा जी बिल्कुल, और उसमें जीएसटी के हम क्वेश्चन करेंगे। आपको मैंने पीडीएफ डाल दिया टेलीग्राम पे, डाउनलोड करके आना जी, एग्जैक्ट टाइम में मिल जाना 10 बजे, क्योंकि फिर जब एमसीक्यू स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन बीच में सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा। और ये सीरीज़ कैसी लगी जी मुझे ज़रूर बताना, इस सीरीज़ से क्या आपको हेल्प हुई है, मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूंगा, जैसे मैंने स्टूडेंट दरबार के अंदर भी कहा था, उसके फीडबैक वहाँ देना, इसके फीडबैक यहाँ देना, मेरे लिए बहुत मोटिवेशन मुझे देंगे इन फ्यूचर कि मुझे अगले आने वाले बच्चों के लिए कितनी, मतलब किस तरह से सेवा करनी है उनकी, ये मुझे बहुत मोटिवेशन देगा, ठीक है। वंस अगेन थैंक यू सो मच, लव यू सो मच जी, एंड थैंक यू दिल से, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, फिर मुलाकात करेंगे आज रात को 10 बजे सेम चैनल पर। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय 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 जी, बाय 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 बाय।